दाहोद के इनकम टैक्स अधिकारी दिनेश मीणा को 65 लाख रुपयों की रिश्वत लेने के मामले में दाहोद सेशन कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। दाहोद इनकम टैक्स अधिकारी के रिश्वत लेने के मामले में दाहोद सेशन कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, जिसमें रिश्वतखोरों में डर का माहौल छाया है। मार्च 2017 में रिश्वतखोर इनकम टैक्स अधिकारी दिनेश मीणा ने एक व्यापारी से 65 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी, जिसमें से पहली किस्त 7 लाख रुपए की दी गई थी और दूसरी किस्त 8 लाख रुपए की लेते वक्त एसीबी की टीम ने इनकम टैक्स ऑफिसर समेत 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। इस मामले में एसीबी के सभी सबूतों के आधार पर दाहोद सेशन कोर्ट ने इनकम टैक्स अधिकारी को 4 साल की सजा सुनाई और बाकी के 2 आरोपियों को भी 3-3 साल की सजा सुनाई गई। नोटबंदीनो समय हतो, तारे नोटबंदीना समय वखते फरियादी दाहोदना फरियादी दिनेश रमणलाल मीणा ना वच्चे इनकम टैक्स ऑफिसर दिनेश लखनलाल मीणा टैक्स भरवा बाबते नी कई चर्चा थयेली अने वातचीत थयेली। ते बाबते दिनेश मीणा अने भरतभाई अग्रवाल बन्ने साथे टैक्स भरवा बाबते नी वातचीत अने चर्चा बाद दिनेश मीणाए 65 लाखनी रुपयानी लाचनी मांगणी करेली। जेव दिनेश मीणा इनकम टैक्सना दाहोदना ऑफिसर हता, 65 लाखनी मांगणी करेली अने भरत अग्रवाल पर तेओ साथे मेळापी बनावा हता अने आ मांगणी बाद 7 लाख रुपया रोकड़ा दाहोद फरियादीना पेट्रोल पंप पर आपवामां आवेला अने बाकीनो वायदो 19/3/2017 रोज करवामां आवेलो अने 19/3/2017 रोज बाकीनो 8 लाख आपवा ज्यारे आवेला ट्रेपिंग ऑफिसरे आखू ट्रेपिंग करी 8 लाख रुपयानू आखू ट्रेप गोठवेली अने 8 लाख रुपया दिनेश मीणानी ऑफिसमां आरोपी नंबर 1-2 हाजरीमां आपवा गयेला। त्यारे दिनेश मीणाए कहेलू कि भाई ये मेरा आदमी है, इसको 8 लाख रुपया दे दो। जे पैसानी थैली हती ए आरोपी नंबर अजाण्या व्यक्तिने आपी दीधेली। ए अजाणी व्यक्ति लक्ष्मीनारायण मीणा जे 8-9 महीनाथी फरार हतो अने 70 मुजबनू तेओ सामे वॉरंट पण काढवामां आवेलू, ते पैसा लईने भागी गयेलो अने पाછળથી પકડાયેલો। ત્યારબાદ આરોપી નંબર 1, 2 અને 3 નાઓની સામે નામદાર સેશન એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન જજ શ્રી જે એમ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ દાહોદ નાઓની કોર્ટમાં ટ્રાયલ ચાલવામાં આવેલી। ટ્રાયલ દરમિયાન આજ રોજ જજમેન્ટ હતું। જજમેન્ટમાં દિનેશ મીણા નાઓને કલમ 7માં 4 વર્ષની સજા, કલમ 13માં 4 વર્ષની સજા અને આઈપીસીના ગુનામાં 1 વર્ષની સજા અને 15,000નો દંડનો હુકમ નામદાર કોર્ટે કરેલો છે। ત્યારબાદ આરોપી નંબર 2 ભરત અગ્રવાલને 3 વર્ષની સજા, 5,000નો દંડ। આરોપી નંબર લક્ષ્મીનારાયણ મીણા જેઓને 3 વર્ષની સજા અને 10,000નો દંડનો નામદાર કોર્ટે હુકમ કરેલો છે। અમને ન્યાય મળ્યો છે નામદાર કોર્ટ તરફથી। આ દિનેશ મીણા જેઓ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરના સરકારી ઇસમ છે અને 1.5 વર્ષથી 17 ટ્રાયલ અમે ચલાવેલી છે, ખૂબ મહેનત કરી છે અને સંપૂર્ણ ગુનો 1-3 સામે પુરવાર થયેલો છે। ત્યારે અમને નામદાર કોર્ટ પર વિશ્વાસ છે અને વિશ્વાસ મુજબ અમને ન્યાય મળેલો છે અને સજા કરેલી છે, એ બદલ હું આભારી છું।